Hello guys, good afternoon everybody. Welcome to yet another session of Aakash BYJU'S NEET Droppers बैच का सेशन है ये, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग कैलकुलस, राइट। पहले हम खत्म कर लेंगे जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, सो दैट लेटर ऑन व्हेन वी डू फिजिक्स चैप्टर्स वी विल बी गियर्ड अप विद इनफ टूल्स इन आवर हैंड्स, राइट। बिल्कुल। So with this, I welcome you all. And कैसे हैं आप सब? काफी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत जोश भी दिखाई दे रहा है। Quickly tell me whether I'm properly audible, properly visible, सब बढ़िया है? Give me thumbs up in the chat window. Show some जोश, guys. I can see Ayush is here. Hello Ayush, how are you? Ashwini, good afternoon. Hello Shruti, good afternoon. Pradeep, Bhavesh, hello, good afternoon. Hello, good afternoon Jhalak. गुड आफ्टरनून कृष्णा, गुड आफ्टरनून ऋतु, वेलकम बैक। आई कैन सी काफ़ी सारे मेरे बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे नए लोग भी दिख रहे हैं। विष्णु, गुड आफ्टरनून। ओके, नाउ बहुत अच्छे से मुझे सारे लोग दिख रहे हैं और लोगों ने बता भी दिया है, थम्स अप भी मिल चुके हैं, एवरीथिंग्स गुड। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। या सिमन प्रीत, गुड आफ्टरनून। हेलो अमन, हेलो सिद्रा। गाइज, अगर आपने अभी तक एंथे में रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज नीड आई से मोर, नासा यार, राइट। नासा में फ्री में जाने का मौका कब मिलता है? रेयरली मिलता है। सो सिलेक्ट स्टूडेंट्स will be given a free trip to NASA with all of its advantages. बहुत सारी learnings मिलने वाली हैं, specially students who are interested in physics. यार मुझे मेरे school days में अगर ये मिला होता तो I would have definitely gone for it. And other than that, there are many other scholarships. 100% scholarships से लेकर के बहुत सारी different scholarships provide होंगी। तो ANTHE क्या है? आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, राइट। रजिस्ट्रेशन ओपन है, डेफिनेटली रजिस्टर कर लो आप लोग, ओके। Yes. Now, a lot of people have been asking and have been confused about the timetable, right? तो schedule क्या है हमारे, कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं? Already the batches are going on and we are teaching the entire syllabus of NEET in complete detail, right? तो आप देख सकते हैं ड्रॉपर्स बैच जो चल रहा है, आज हमारा फिजिक्स का सेकेंड सेशन है ड्रॉपर्स बैच का। और राइट, पिछले सेशन में हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था, आज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारे ड्रॉपर बैच की फिजिक्स की क्लासेस आपको 2 PM को मिलने वाली हैं फॉर ऑल द ड्रॉपर्स आउट देयर, मंडेज एंड वेंसडेज, राइट। नाउ ड्रॉपर बैच में हम ये मान के चल रहे हैं एटलीस्ट कि आपने एक बार तो 12th पास कर लिया है, राइट तो थोड़ा बेसिक्स आपको आता है और आप उस हिसाब से कर रहे हैं। एंड सो ड्रॉपर बैच इज गोइंग टू बी अ लिटिल फास्टर देन योर नॉर्मल 11th 12th बैचेस, बट डू नॉट वरी। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं यार मुझे तो एकदम बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए भी आई कम लाइव एवरी डे, ऑलराइट। फिजिक्स की क्लासेस होती है मिशन MBBS की सीरीज में हमारी, जिसमें हमारा मिशन भी यही है कि आपको आपके मिशन में कामयाब करवाएं, राइट। सो हियर वी गो। 11th क्लास की डिटेल्ड क्लासेस होती हैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। 12th क्लास की डिटेल्ड क्लासेस होती हैं ट्यूसडेज एंड थर्सडेज। फिजिक्स की क्लास होती है 4 o'clock एवरी डे, ओके, ऑलराइट। अब अगर सबको टाइम टेबल एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के चैप्टर में जंप करते हैं बिल्कुल हम, ऑलराइट। चलो, आज के चैप्टर में हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक्स को देखने वाले हैं, राइट। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड हाउ टू इंटीग्रेट, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन किस तरीके से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं टू इंटीग्रेट फंक्शंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, एंड देन एरिया अंडर द कर्व, मोस्ट प्रोडोमिनेंटली यूजेस कहां कहां आते हैं इंटीग्रेशन के, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हम आज कवर कर लेने वाले हैं एंड आज के टॉपिक के सारे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गेट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इंटीग्रेशन, राइट। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ लिया है, राइट? यू नो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी, तो आधा काम तो हो चुका है, बिकॉज इंटीग्रेशन, सी वी आर नॉट स्टडीइंग मैथ फॉर द सेक ऑफ मैथ, हम मैथमेटिक्स की फंडामेंटल्स में जाके नहीं जा रहे, राइट? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर स्टडीइंग दिस बेसिक मैथमेटिक्स सो दैट physics becomes easy for us, right? So, simple layman terms में अगर मैं आपसे बात करूं, all right? Integration is reverse of differentiation, ठीक है? Integration is reverse of differentiation. मतलब क्या हुआ? अगर कोई function है f(x), इसको मैंने differentiate किया तो f dash x मिल जाएगा, which is another function of x, ठीक है? इसको बोल देते हैं gx. तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो gx मिल गया. Then if I have gx, I can integrate and get back to the function fx. Okay, that's about it. इंटीग्रेट किया तो वापस आ जाएगा, ठीक है? ओके, ये तो समझ में आ गया. तो भाई जैसे डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंट रूल्स की पढ़ाई की थी, वैसे इंटीग्रेशन में हम वही रिवर्स रूल की पढ़ाई कर लेंगे, राइट? फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू रूल्स, आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर्मुलेज, आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे. बहुत बार आपके सीनियर्स आपको बताते होंगे कि नहीं, इंटीग्रेशन से डर लगता है. डोंट वरी अबाउट इट, डर बिल्कुल नहीं लगने वाला है. ओके, चलो. अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स कैसे मिलेंगे टेलीग्राम पर. बेटा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नीट, आकाश बायजूज नीट का. उसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. उसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहते हैं. वी प्रोवाइड होमवर्क क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, ऑफ ऑल ऑफ दीज सेशंस दैट वी आर डूइंग. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब मैं यहाँ पर भी एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ, ऑलराइट? आई एम गोना अज्यूम कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, ठीक है? होता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो पे अटेंशन. इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं, राइट? एज यू कैन सी, दिस पर्टिकुलर सिंबल इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? ये तो बड़ा सा सिंबल है, यू अंडरस्टैंड. जब भी सिंबल आएगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, फंक्शन टू इंटीग्रेट वो अंदर लिखा जाता है. एंड देन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज रिटन ओवर हियर. ओके, ऑलराइट. तो अगर फंक्शन fx है और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट इंटीग्रल fx dx, ठीक है? ओके, dx इंडिकेट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक है? Okay, now that we've understood the notation, let's come to rules. जैसा कि मैंने आपको बताया, alright? Rules क्या क्या है? Integration of some common functions. अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, integration is reverse of differentiation. वही काम कर रहे हैं हम यहाँ. अगर मैंने constant को differentiate किया, तो क्या मिलेगा? Zero मिलेगा. अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो जीरो मिलेगा. मतलब जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मिलना चाहिए, राइट? बिल्कुल. कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट किया तो जीरो मिलेगा, तो जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट मिलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट. नाउ अच्छा, अंकित इज आस्किंग मैम ओनली स्पीड विल डिफर ना, नथिंग विल बी स्किप्ड. यस 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 अंकित, या ड्रॉपर बैच और मिशन एमबीबीएस में स्पीड डिफरेंस होगा. एंड द आइडिया इज दैट इन ड्रॉपर बैच अगेन ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक, एवरी कॉन्सेप्ट वेरी वेल. एंड मिशन एमबीबीएस में भी हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, ऑलराइट? आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप मिशन एमबीबीएस की 4 o'clock की क्लासेस अटेंड करते चले जाओ, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. आप अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो, अब जैसे हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, राइट, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो समझ में आता है। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है, राइट, और kx को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें k मिलता है, राइट। तो अगर k को इंटीग्रेट करेंगे तो kx मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बट द थिंग इज कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने 2x को डिफरेंशिएट किया, 2x को डिफरेंशिएट किया तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x गिव्स मी 2। अब 2x की बजाय अगर मैंने 2x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट किया तो भी मुझे 2 मिलेगा, राइट। अगर मैंने 2x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट किया तो भी मुझे 2 ही मिलेगा, राइट। अगर मैंने 1 की बजाय कोई भी और कांस्टेंट लगा दिया, 2x माइनस 3, 2x माइनस 4, 2x प्लस एनी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट किया तो भी मुझे 2 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन एक ही चीज़ मिल रही है हमें, राइट। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। अगर मैं 2 को इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि भाई 2x भी हो सकता है, 2x प्लस 1 भी हो सकता है, 2x प्लस 2 भी हो सकता है, 2x माइनस 7 भी हो सकता है, राइट। 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 7, 2x माइनस 2000, कुछ भी हो सकता है। And that is why constant of integration comes in the picture. ठीक है, constant of integration इसीलिए हम लगा देते हैं कि अगर मैं 2 को इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे ये सारी चीजें मिल सकती हैं, मतलब I can say that I am gonna get 2x plus c as the result of integrating 2, right? And C can be any constant, depending on the situation, depending on कि बाकी डेटा क्या है। ये समझ में आ गया अच्छे से? बिल्कुल। तो C लगाना बिल्कुल मत भूलना, C बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब जब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो चुकी है कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, अब देखो मैंने fx को डिफरेंशिएट किया, मुझे मिला gx डिफरेंशिएट करने के बाद। तो जब gx को इंटीग्रेट करेंगे, उल्टा जब gx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अ फंक्शन सिमिलर टू fx जहां पर c का डिफरेंस आ सकता है, राइट? यस, बिल्कुल। तो fx प्लस c, this c can be any value, all right, okay. अब देखो अलग अलग फंक्शंस का देख लेते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन देखा, वी लुक्ड एट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सो ऑन। यहाँ पे भी देख लेते हैं, kx का डिफरेंशियल है k, तो k का इंटीग्रल होगा kx प्लस c। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस c। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस cos x प्लस सी, राइट। tan x का डिफरेंशियल होता है sec square x, tan x का डिफरेंशियल होता है secant square x, तो secant square x का इंटीग्रल होगा tan x प्लस सी। बिल्कुल उल्टा लगा दो, बिल्कुल समझ में आ गया, ऑलराइट। इसी तरीके से और भी सारे फंक्शंस का देख लेते हैं हम, राइट। और सारे फंक्शंस की बात करते हैं। चलो अभी तक तो tan x किया, खाली cot x की बात करते हैं। cot x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलेगा, और अगर cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cot x प्लस c मिलेगा, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से secant x का भी होगा और cosecant x का भी होगा। नाउ ln x को जब हम, रिमेंबर लॉगरिथमिक फंक्शन, ln x को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमें 1 by x मिल रहा था, तो 1 by x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ln x प्लस c, राइट, बिल्कुल सही। तो आइडियली तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स खाली याद रखने हैं, राइट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ओनली वन सेट ऑफ रूल्स। अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, घबराने की तो बात ही नहीं है। बताओ अभी भी मुझे चार्ट विंडो में, घबराने की बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, राइट, इट्स वेरी इजी, ऑलराइट। चलो e रेस पावर x, ई रेस पार एक्स तो बड़ा इजी फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ई रेस पार एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेस पार एक्स ही होता है, तो ई रेस पार एक्स का इंटीग्रल भी ई रेस पार एक्स प्लस सी हो जाएगा, राइट? ओके, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यस, देखो लक्ष्मी, निसर्ग, झलक, विष्णु अच्छे से समझ में आ गया सबको, राइट? ऑलराइट, अच्छा अच्छा, ये सारे लोग नो नो बोल रहे हैं, जो आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो ना पक्के से? नो, घबराने की बात नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हो ना? कोई अगर कंफ्यूजन होता है कहीं पे, इफ यू वांट टू आस्क सम डाउट, राइट इट इन द चैट विंडो एंड आई विल सेंड इट, आई विल सॉल्व इट राइट नाउ, ठीक है? चलो, अच्छा, पूरव इज आस्किंग मैम कई क्वेश्चंस में क्लोज इंटीग्रल यूज होता है, ये क्या है? हाँ बेटा, क्लोज इंटीग्रल जो यूज होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम आप जब फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर में जाते हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ के जाते हो ना, छलांग तो नहीं मार लेते हो। वी आर नॉट सुपरमैन, वी आर नॉट स्पाइडरमैन, वी आर नॉट बैटमैन, ऑल्दो आई लव बैटमैन बट स्टिल, राइट? तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके करेंगे। पहले हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, फिर बाद में हम क्लोज्ड इंटीग्रल की बात करेंगे, ठीक है? चलो, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस मतलब क्या? एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलता है? एन टाइम्स एक्स रेज पर एन माइनस वन। तो अगर आप एक्स की पावर एन माइनस वन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए, राइट? राइट, अब यहां पर एन जो है मल्टीप्लाइड है, उसको मैं नीचे लेके जाती हूं, ओके? वन बाय एन, एक्स रेज पर एन का डिफरेंशियल मिलेगा एक्स रेज पर एन माइनस वन, राइट? ओके, तो वन बाय एन प्लस वन एक्स रेज पर एन प्लस वन का डिफरेंशियल क्या मिलेगा? मिलेगा एक्स रेज पर एन। एंड यहां पे हम यही बोल सकते हैं कि जब हम 1 बाय एन प्लस वन एक्स रेज पर एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्स रेज पर एन। तो जब एक्स रेज पर एन को इंटीग्रेट करेंगे, उल्टा, हाँ उल्टा, एक्स रेज पर एन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस प्लस सी, राइट? ऑलराइट, चलो, तो मिल गया हमारे पास x रेज पर n का इंटीग्रल। क्या आ गया? x रेज पर n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Here n is not equal to 1 guys. n is not equal to 1. Okay? क्यों? n बराबर 1 हो जाएगा तो 1 by x मिल जाएगा। 1 by x का इंटीग्रल होता है ln x. Remember? Yes, 1 by x का इंटीग्रल होता है ln x plus c. And now I can go for other polynomial functions also. I can say that कि भाई constant times x raise पर n का इंटीग्रल क्या होगा? constant बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। जैसे constant डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, वैसे ही constant इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है ना? सेम, ऑलराइट? ऑलराइट बेटा, बच्चा लैंग्वेज के बारे में प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, टेल मी, प्रॉम्प्ट मी, आई, ये जो क्लासेस होती हैं, दीज क्लासेस आर बाइलिंगुअल, आपको हिंदी में भी समझा देते हैं और आपको इंग्लिश में भी समझा देते हैं, ठीक है? ऑलराइट, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ओके? ऑलराइट, नाउ Till now, if everything's good, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे, everything is crystal clear or not, right? सब अच्छे से समझ में आ गया? हाँ? Show me some likes, show me some thumbs up. And अगर ये सेशन अभी तक फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो make sure you do that, alright? Okay. Jyoti is asking, ma'am, how to solve questions? Yes, बेटा, चलो अब questions में चलते हैं हम, ठीक है? Yes, I can see लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। विष्णु, मोनालिसा, अनिल, अर्चना, ऋतु, ज्योति, ग्रेट, ऑल राइट। अच्छा, लेट्स गो, नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन विल बी एग्जैक्टली द सेम एज और वेरी वेरी सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? जैसे हम डिफरेंशिएशन में बात करते थे, वी सेड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन. कांस्टेंट बाहर आ जाता है, राइट? वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है. अगर अंदर कांस्टेंट है, फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो यू कैन टेक द कांस्टेंट आउट एंड इंटीग्रेट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज प्लस माइनस. इफ यू आर इंटीग्रेटिंग समथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस और टू और मोर टर्म्स, तो क्या करोगे आप? सेपरेट कर लोगे. जैसे डिफरेंशिएशन में सेपरेट कर लेते हैं हम, वैसे इंटीग्रेशन में भी सेपरेट कर लेते हैं. सेपरेटली इनको इंटीग्रेट करो और बीच में जो प्लस माइनस है कीप इट एज इट इज. ओके, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. इन दोनों को कंबाइन कर लो तो हम बोल सकते हैं इफ अ फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट a टाइम्स एफ एक्स प्लस माइनस b टाइम्स जी एक्स. तो हमने कांस्टेंट को भी बाहर ले लिया और हमने इंटीग्रल को भी तोड़ दिया. प्लस माइनस बाद में कर लेंगे इंटीग्रेट करने के बाद. ठीक है, ओके. नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, जो कि दैट इज अबाउट फंक्शन ऑफ a प्लस ए एक्स प्लस बी. ऑलराइट, तो बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूं. ठीक है, थिंक अबाउट इट लाइक दिस. साइन ऑफ x अगर मेरे पास है, राइट, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल साइन x dx इज यस माइनस कॉस x, राइट? ओके, कॉस x का माइनस साइन x होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस x. सो माइनस कॉस x प्लस c. एंड नाउ If I want to replace, अगर फंक्शन के अंदर में x जो है वो रिप्लेस हो गया किसी लीनियर फंक्शन ऑफ x से. ठीक है, लीनियर इंपॉर्टेंट है यहां पर. अगर मैंने x को रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 3 से, राइट, मैं बोलती हूं इंटीग्रेट साइन ऑफ 2x प्लस 3 dx. तो आप क्या करोगे? पहले तो एज इट इज रूल लगा दोगे. क्या लगा दोगे? दिस इज माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी. बट एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी, जो मल्टीप्लायर है एक्स का उससे डिवाइड कर दोगे. ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लायर एक्स का है 2 डिवाइड दिस बाय 2. ओके, दैट्स इट. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा बच्चे लोग, अभी आप लोग सेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई करने में ध्यान दो. एंड जो आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बाद में डाल देना, आपको हम रिप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलो अभी डोंट वरी अबाउट इट. नाउ हियर वी गो. अब इसी को मैं जनरल फॉर्म में लिख सकती हूं ए एक्स प्लस बी, राइट? 2x प्लस 3 इज बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ, और इट कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी इन जनरल फॉर्म, राइट? तो यहां पे वही बोल रहे हैं हम, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रल विल बी इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए. क्यों? क्योंकि ए मल्टीप्लायर है, डिवाइडेड बाय ए प्लस सी. ठीक है, ओके, ऑलराइट. नाउ somebody was asking for questions and it's a very valid thing, right? फिजिक्स, मैथ्स कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अप्लाइंग दोस कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट. सो हियर वी आर विद क्वेश्चंस, राइट? लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अब यहाँ पे देखो आप, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x विल बी हाउ मच? फटाफट मुझे बताओ, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x. ओके, अनिल ने बोल दिया a, पूरब ने भी a, मोहम्मद हरीस ने a, और राइट, आकांक्षा a, प्रेम ए. यस बेटा, बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया. साइन 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट? ओके, डिवाइडेड बाय 2 करना मत भूलना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. ओके, जनरल इंटीग्रल फॉर्मेट यही होगा, जनरल फॉर्मेट ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। एंड अगर आपको ऑप्शंस में सी भी दिया होता है तो उसके साथ मार्क करना है, ठीक है। चलो ये तो बड़ा इजी है, लग रहा है ना इजी? यस। अच्छा, अब एक और चीज बताते हैं। ओके, आई टोल्ड यू नो, हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो c को ऐड करना पड़ता है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना, इसका एक ग्राफिकल मीनिंग भी निकल के आता है। ऑलराइट, सो आई विल टेल यू, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म in the original function becomes zero, and hence adding c to the result of integration gives the most general case, right? यही हमने समझ लिया, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, right? Now यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके अगर हम देखते हैं तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, तो 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। बट देन 2x का इंटीग्रल कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑल्सो, इट्स इंटीग्रल कैन बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑल्सो, एंड सो ऑन। एंड इफ आई लुक एट ऑल ऑफ दीज ऑन अ ग्राफ, व्हाट आई गेट इज दिस इंटीग्रल ऑफ 2x इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, एंड एक्स स्क्वायर प्लस c विल गिव यू different sets of different parabolas for different values of c. अलग-अलग values c की अलग-अलग values से आपको अलग-अलग parabola मिल जाएगा, and this is actually called a family of parabolas, right? तो अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है तो आपको फैमिली ऑफ लाइंस मिलेंगी, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है जैसे ये तो आपको फैमिली ऑफ पैराबोलाज मिलेंगी, अगर आपके पास क्यूबिक फंक्शन है तो आपको फैमिली ऑफ क्यूबिक कर्व्स मिलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। कर्व्स की फैमिली मिल जाती है पूरी की पूरी, ओके, ऑलराइट। ओके, प्रांजल पूछ रहा है मैम इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं? बेटा प्रांजल, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर टूल्स टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब फिजिक्स में चाहे आप फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं विच इज काइनेमैटिक्स, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और आप 12th के चैप्टर्स की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI स्पेशली, इतने सारे चैप्टर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, ऑलराइट। एंड दैट इज व्हाई द क्वेश्चंस इन विच कैलकुलस इज यूज्ड टू सॉल्व आर अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर पेपर में आपको तीन चार क्वेश्चंस तो कम से कम मिल जाएंगे, ठीक है। यस, चलो अब अभी तक अगर आकाश BYJU'S ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लो बेटा, मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट इज फ्री। एंड इसमें भी मैं आपको बोलती हूँ कि देखो फिजिक्स में ना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट। विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दोनों चीजें आपको आकाश BYJU'S ऐप से मिल जाएंगी, सो make sure you take advantage of that, all right? Chalo, now that we have understood about how to calculate, how to integrate, let's come to another type of integration which is definite integration, theek hai, all right? Step by step aage badh rahe hain hum, bilkul yahi kar rahe hain। First step mein humne seekh liya rules kya kya hai, properties kya kya hai, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वी विल गो टू डेफिनेट इंटीग्रेशन जहां पर हम एक्चुअल नंबर्स में वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। ऑलराइट, थियो इज आस्किंग क्या लाइव क्लासेस होती है? यस बेटा, लाइव क्लासेस होती है, मोस्ट ऑफ देम। कुछ रिकॉर्डेड भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइव क्लासेस, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा, आपको टाइम टेबल में बता दिया जाएगा आपको। ऑलराइट, अनिल इज सेइंग मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कुछ डाउट्स हैं क्वेश्चंस में, कैसे सॉल्व हो सकता है? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पूरा एक बहुत आई हैव टेकन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन 11 लेक्चर्स मिशन MBBS का। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के यू वॉच द रेलिवेंट वीडियोज. आई एम वेरी श्योर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर नहीं होते हैं तो राइट योर डाउट इन द कॉमेंट्स एंड आई विल कम एंड रिप्लाई. आई डू दैट. ऑलराइट, चलो. अच्छा, नोट्स की बात कर रहे हो स्वाति. इसी सेशन खत्म होने के बाद जब आपको वीडियो मिलेगा उसके कमेंट्स में आप डाल देना, ठीक है? आई विल मेक श्योर दैट दे आर प्रोवाइडेड टू यू. ओके, ऑलराइट, चलो. लेट्स गो टू डेफिनेट इंटीग्रेशन. हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? भाई नॉर्मल रूल्स तो अप्लाई होते हैं, बट उसके साथ साथ ना एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है. क्या नेक्स्ट स्टेप आ जाता है? देयर आर two limits using which we calculate a final number. ठीक है, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद एक दूसरा फंक्शन मिलता है, बट उस फंक्शन में हम पर्टिकुलर वैल्यूज रखते हैं x की, जिससे कि हमको एक फाइनल नंबर मिल जाता है. ठीक है, बहुत लेमैन टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल डीप में नहीं जा रही हूँ यहाँ पर मैथ की, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन मैथ में रिक्वायर्ड ही नहीं है. राइट, ओके. नाउ देखो लिखते कैसे हैं. जिसने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं देखा है, हालांकि आप ड्रॉपर हो, आपने देखा होगा, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एज इट इज, राइट, एफ एक्स इज द फंक्शन दैट इज टू बी इंटीग्रेटेड एंड एक्स इज द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन. ये तो इंटीग्रेशन का साइन है. इसके साथ एक दो नंबर्स मिलेंगे आपको. एक तो इंटीग्रल के साइन में नीचे एक नंबर मिलेगा और एक ऊपर एक नंबर मिलेगा. ठीक है, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स. ओके, मतलब हम x की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी कर रही हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक x की वैल्यू वेरी कर रही है, उसका हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं. ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया. तो लोअर लिमिट मतलब x की वैल्यू कहां से चालू होती है, x starts from here, and upper limit मतलब कहां तक x की वैल्यू है, x ends here. ठीक है, सिंपल भाषा में. Now when we calculate it, how do we apply it? अब ठीक है, लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई, बट हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट इट? वेरी सिंपल, यू इंटीग्रेट एज यू नॉर्मली इंटीग्रेट. राइट, आपने इंटीग्रेट किया, आपको एक फंक्शन मिल गया, राइट, जी एक्स फंक्शन मिल गया. अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलता है उसी में पहले अपर लिमिट डालोगे, x की वैल्यू b डाल दी तो एक मिल गया वैल्यू, एंड माइनस लोअर लिमिट डाल दी तो x की वैल्यू a डाल दी. राइट, सो g ऑफ b माइनस g ऑफ a विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ऑलराइट, चलो. Now let's get to a question. Let's apply it. All right. Okay. Calculate the value of integral 0 to 3 x cube dx. Right? x cube dx की value निकालनी है हमको. तो पहली बात तो ये identify what kind of function it is. Right? It is a polynomial function. फटाफट बताओ मुझे. Yes. Alright, लोगों को आंसर मिल गया है ऑलरेडी. एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. एक्स रेज पर एन का इंटीग्रल होता है एक्स रेज पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. तो एक्स क्यूब का इंटीग्रल होगा एक्स रेज पर थ्री प्लस वन विच इज फोर डिवाइडेड बाय फोर. राइट, बट वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर. यस यस, ऋतु, अर्चना, नेहा, अनिल, पूरव, वेरी गुड. बी इज द करेक्ट आंसर. एंड लेट मी टेल यू हाउ इट कम्स. राइट, इंटीग्रल तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिमिट्स लगाने वाले हैं. तो दिस इज हाउ वी राइट इट. राइट, 0 to 3 एंड देन वी कैन राइट इट एज दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज पर 4/4 एक्स इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 रेज पर 4/4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 रेज पर 4/4. राइट, सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट फर्स्ट एंड देन सब्स्टिट्यूट द लोअर लिमिट. अपर लिमिट का function's value for x equal to upper limit minus function's value for x equal to lower limit. That's it. ये आपका आंसर आ गया 81/4. Okay? Alright. ये अच्छे समझ में आ गया सबको. Easy है ना, बिल्कुल. Yes. See, for NEET specially, right? I mean, JEE के लिए तो students study this in math and we all studied it, right? But NEET के लिए क्या होता है? आप math में नहीं पढ़ाई करते हो, तो आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर जितना आपको physics में required है. That's it. ठीक है? And we have jumped a lot, right? We're not going into functions का detail, limits का detail, वो कुछ नहीं करवा रहे हैं आपको हम. क्यों? जरूरत नहीं है. क्या करवा रहे हैं? बिल्कुल सरफेस में डिफरेंशिएशन, सरफेस में इंटीग्रेशन, सो दैट यू फाइंड इट इजी एंड यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, बिकॉज फाइनली वही करना है ना. यस, ऑलराइट, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. चलो एक और कैलकुलेट करते हैं. या ऑलराइट, ओके प्रांजल, आई एम ग्लैड. एंड ये तो सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. अगर आ रहा है तो लाइक वाइक लगा दो यार, हैं? अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दो. शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? चलो, एंड वी आर टू ओवर हियर टू द लास्ट सब टॉपिक ऑफ टुडे. लास्ट सब टॉपिक क्या है हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है. देखो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले देखा इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, राइट? रूल्स देख लिए, प्रॉपर्टीज देख लिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, राइट? फिर हमने सेकेंड स्टेप देख लिया कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, राइट? नाउ कम्स द क्रक्स ऑफ द मैटर. ये मीट है पूरे सेशन का. व्हाई? बिकॉज दिस विल गिव यू द एप्लीकेशन इन फिजिक्स. ऑलराइट, एरिया अंडर द कर्व्स. एरिया अंडर द कर्व्स निकालने के लिए बहुत बार आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड इन फिजिक्स अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज आर डिफाइंड यूजिंग एरिया अंडर द कर्व्स. ऑलराइट, अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व. अगर आपको पावर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व. अगर आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो चार्ज इज एरिया अंडर द कर्व, राइट? ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, बहुत थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं. देर आर मेनी मेनी मोर utility, there are many many more places where it is utilized. All right, chalo, we are geared up with our prerequisites. Ab humko sab samajh mein aa chuka hai, bilkul ab question solve karte hain. But aise kaise question solve karenge bhai, area under the curve to baki hai na. Chalo chalo, area under the curve karte hain, uske baad hum question solve karenge. Theek hai, chalo. Yes Anil. Oh, Anil, area under the AT curve is change in velocity. Rate of change of acceleration is jerk. Okay, उल्टा कर दिया. I think आप थोड़े से confused हो गए हो. All right? Area under the AT curve is change in velocity. Okay. Let's get to it. अब ये मेरे पास general curve है, ठीक है? Y बराबर fx. All right? y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है ये. मतलब क्या? y एक्सिस पे फंक्शन ऑफ x है, x एक्सिस पर x है. जैसे जैसे x चेंज होता जाता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है ना. इफ f इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब f इज डिपेंडेंट ऑन x, राइट? x चेंज होगा तो डिपेंडेंट वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, राइट? दैट्स इट. तो हियर यू कैन सी दैट जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है. दिख रहा है? यस. अब अगर एरिया निकालना है तो भाई एरिया तो हमें बड़ी सिंपल चीजों का आता है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया हमको आता है, राइट? वी नो रेक्टेंगल ऑफ एरिया, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यस, वी नो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. सो कैन वी टेक दिस एरिया एंड divide it into thin strips, right? अगर हमने इस एरिया को लिया और ऐसे thin rectangles में divide कर दिया, बहुत सारे thin rectangles, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, and so on and so on and so on, right? तो can we say that every rectangle's area will be the value of y over here and the thickness of the strip? Thickness कितनी है? डेल्टा x, right? अगर मैंने यहाँ पर x1 लिया फिर डेल्टा x चेंज किया उसको, डेल्टा x मतलब चेंज इन x, राइट? जितना चेंज इन x मिलेगा दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप एंड ये वैल्यू हो जाएगी y, करीब करीब दिख रहा है। अब जब मैं ये सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इज y डेल्टा x, तो एरिया ऑफ many rectangles can be written as a1 plus a2 plus a3 and so on, right? मतलब क्या हुआ? y1 delta x plus y2 delta x plus y3 delta x and so on, right? But अभी भी क्या है, अभी भी ना ऐसे मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे मैम ये तो छूट गया, ये देखो ये छोटे छोटे ट्राइंगल ये दिख रहे, ये छोटे छोटे एरिया तो छूट गए, इनका क्या करें? हमें तो एक्यूरेटली निकालना है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, छोटी सी ट्रिक लगाते हैं हम। क्या बोलते हैं कि लेट्स मेक दीज रेक्टेंगल्स वेरी वेरी थिन, ठीक है? अगर हमने इन रेक्टेंगल्स को लिया और उन्हें बहुत थिन बना दिया तो हम क्या बोल सकते हैं? देन वी कैन से दैट कि इफ limit delta x approaches 0 then delta x will be replaced by dx and now it is a very very thin rectangle, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको approximately इस area under the curve की value मिल जाएगी and the छोटे छोटे triangles जो यहाँ पे बाकी हैं these will be kind of negligible, ठीक है? That's the idea. So now what can we say? We can say that area of one rectangle becomes fx into dx, right? y times dx, okay? Area of one rectangle is y delta x, which is y dx over here. So summation of all of these areas becomes how much? Summation of y dx. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम बोल देते हैं जब छोटी छोटी इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यूज को जब हम ऐड कर रहे होते हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यूज को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो समेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है? ये मैथ का फंडा है। चलो तो इसको हम बोल देते हैं दिस बिकम्स इंटीग्रल y dx एंड दैट्स इट। दिस गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व। अब हमें जहां से जहां तक का एरिया निकालना रहता है, राइट? से मुझे निकालना है एरिया फ्रॉम x1 टू x2, तो आई एम गोना राइट एरिया will be equal to integral from x1 to x2 fx dx, ठीक है? ये ध्यान में रखो, x की कहां से स्टार्ट हो रहा है x और कहां पर एंड हो रहा है x, उसके हिसाब से आपको अपर और लोअर लिमिट्स लगानी होती हैं एंड दैट इज व्हेन वी कैलकुलेट द एरिया, ओके? बिकॉज एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो एरिया तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है, ऑलराइट? चलो बहुत सारी थ्योरी होगी, समझ में तो आ गया कि थियोरेटिकली ऐसे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। आर यू गाइज रेडी? टेल मी इन द चैट विंडो, आर यू रेडी? यस, आई नो यू आर। लेट्स गो। कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 7 माइनस x स्क्वायर एंड the beauty is even if it's a bad function or convoluted function, right? अगर कोई गंदा सा फंक्शन भी दिख रहा है ना आपको, you don't really need to know ये ग्राफ में कैसा दिखता है, आप फिर भी एरिया कैलकुलेट कर लोगे इंटीग्रेट करके, ठीक है? चलो क्या आंसर आ जाता है इसका? Yes, all right, I can see Desi Pandit, What's your answer? शेख का आंसर आ गया है सी। ज्योति, ऑलराइट, अच्छे समझ में आ रहा है ज्योति। नेहा का आंसर आ गया सी। ओके गाइस, व्हाट एल्स? लेट्स सी। एरिया निकालना है हमें फ्रॉम एक्स इक्वल टू -1 to 3, ठीक है? प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर इंटीग्रल क्या? एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है? 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड लिमिट नहीं भूलना है, लिमिट आर -1 to 3. Right? Lower limit will be initial value of x, upper limit will be final value of x. ठीक है, ये हमने डाल दिया. Now what? Now we calculate, right? तो 7 minus x square polynomial function है, इसको कैसे integrate करेंगे? This will be 7x minus x cube by 3, right? अब इसमें जब लिमिट नहीं लगाई होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं -1 to 3. अभी मतलब हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है, हमने लिमिट नहीं लगाई है. ठीक है, नाउ व्हेन वी अप्लाई द लिमिट्स वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स's वैल्यूज. तो फंक्शन में एक्स बराबर 3 डाला, 7 into 3 माइनस 3 cube by 3 माइनस फंक्शन में अपर लिमिट डाला अपर, फिर फंक्शन में लोअर लिमिट डाला लोअर एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, दैट्स इट. क्या मिला हमको? लोअर लिमिट डालोगे -1 तो मिलेगा 7 into -1 माइनस -1 whole cube by 3. राइट, अब प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना. राइट, क्या मिल जाएगा हमें? 56/3 मिल जाता है इसको कैलकुलेट करोगे तो. ठीक है, I'm gonna write it as it is. आपको आता है कैलकुलेट करना, राइट? ये तो बड़ा इजी है. अच्छा, अकिल says मैम व्हाट इफ लिमिट हैज इंफिनिटी. अब लिमिट में इंफिनिटी है तो इंफिनिटी भी डालो, फिर वो पता चलेगा. अगर इंफिनिटी डिनोमिनेटर में है तो 0 बन जाएगा और न्यूमरेटर में है तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी आपने. जनरली योर आंसर विल कम आउट इन अ वैल्यू. But then again, it depends. ठीक है? All right. चलो, ये समझ में आ गया अच्छे से. Option number A becomes the correct answer. All right? Okay. Let's solve more questions. Okay. अब यहाँ पे before we go further, area under the curve आपने already निकाल लिया. Okay. And you don't really need to know कि graph कैसा बनता है. But a good idea of कैसे graphs बनते हैं is good for you, all right? So you should have a general idea of how you can interpret these graphs, okay? So अगर मैं 7 minus x square की बात करती हूँ, right? X square ऐसा parabola बनता है, तो minus x square क्या बनेगा? Minus x square ऐसा बनेगा, right? This is the kind of parabola we get. अब 7 minus x square मतलब इसी पूरे ग्राफ को 7 यूनिट्स ऊपर चढ़ा दो, राइट? 7 यूनिट्स ऊपर चढ़ा दिया हमने तो क्या मिल गया हमें? दिस इज हाउ वी गेट. ये आपको पैराबोला मिल गया इस तरीके का, जहां पर ये है 7, x बराबर 0 पे 7 आता है, एंड दिस इज √7, दिस इज -√7. एंड आप जब ग्राफ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम -1 to 3, बेसिकली यूर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस पोर्शन, राइट? -1 यहाँ कहीं पे आएगा, 3 √7 से बड़ा होगा मतलब यहाँ कहीं पे आएगा, एंड यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग दिस एंटायर एरिया. समझ में आया? अब अगर किसी को यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम हमें तो ग्राफ बनाना नहीं आता, डोंट वरी अबाउट इट. इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं थी, बट इन जनरल मैं कुछ चीजें आपको बताती चलती हूँ सो दैट यू बिकम easy with graphs. ठीक है, because graphs question आते हैं and बहुत सारे बच्चे जो है graph question को देख के डर जाते हैं. तो I want to make sure कि over the course, right, over all of these months जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप graph के साथ mathematical equation solve करने के साथ easy बन जाओ, right? You become very comfortable with it. Okay. Now let's get to the next question. Come on. Chalo. Let's get to the next one. Here we go. Find the displacement from 0 to pi by 2 seconds of a particle moving rectilinearly with velocity varying with time as this. Dekho, physics mein aa gaye hum. Aa gaye na? Chalo. Yes, logic. I totally understand. Beta, aapka naam kya hai? लॉजिक तो आपका स्क्रीन नेम है खाली ना, एंड दैट इज वाई यू नो टू मेक यू कंफर्टेबल विथ ग्राफ क्वेश्चंस, टू मेक यू कंफर्टेबल विथ यूजिंग मैथमेटिक्स इन फिजिक्स. ठीक है. Here we have got a question which is related to physics. मतलब क्या हम physics में area under the curve use कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैं आपको पहले से बता देती हूँ, अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है तो VT ग्राफ के area under the curve, VT ग्राफ का area under the curve is displacement. Okay? All right. So now, Jyoti is asking, अच्छा लॉगरिथम का सेशन ले लो. बेटा ज्योति, आई हैव टेकन इट इन मिशन MBBS. मैंने बहुत डिटेल में 5 सेशन लेकर के बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है. सो यू विल फाइंड ऑल ऑफ दैट इन द प्लेलिस्ट. ओके, चलो. मिशन MBBS में आई हैव टॉट ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेपरेटली, कैलकुलस सेपरेटली. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा. अच्छा, इसका क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, आयुष का आंसर सी आ रहा है. और क्या? अश्विनी का आंसर भी सी आ रहा है. ज्योति 5, ओके, सी. ऋतु 5, ऑलराइट. अनमोल का -5 आ गया. अच्छा, शेख सी, पूरव सी, ऋतु सी, या नेहावत सी. गुड, ऑलराइट. बहुत अच्छे बच्चों, मजा आ रहा है मुझे तो. आप लोग सबको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है ना? यस, सी इज द करेक्ट आंसर. एंड लेट मी टेल यू हाउ, राइट. चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको. तो जब हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट व्हाट आई नीड टू डू इज इंटीग्रेट. डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2. क्यों? क्योंकि टाइम दिया है 0 to π/2, राइट. 0 to π/2. वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है? 7 cos t minus 2 sin t dt. ओके, दैट्स इट. तो यहां पे अगर हम बात करते हैं 7 cos t minus 2 sin t dt, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, राइट. जैसे हर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही कर लेंगे. चलो, क्या आ जाएगा? 7 cos t. अब cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो cos t का इंटीग्रल होगा sin t. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट. बिल्कुल. तो 7 sin t एंड माइनस 2 एज इट इज. 2 इज अ कांस्टेंट, कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी इन दोनों को तोड़ लिया और उसके बाद कांस्टेंट्स को बाहर लेके आ गए, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, अब साइन टी का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस टी, राइट. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये कॉस टी बन जाएगा. ओके, दिस इज इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स. दिस इज इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स. सो यहाँ पे आई हैव टू राइट 0 to π/2. एंड नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट. दिस इज इक्वल टू 7 times साइन π/2, राइट. साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है. तो 7 times 1 plus 2. कॉस π/2 0. ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सब्स्टिट्यूट करना है तो लोअर लिमिट में 7 times साइन 0 0 होता है, प्लस कॉस 0 1 होता है, 2 times 1. हियर वी गो. क्या आ गया हमारे पास? 7 minus 2 विच इज 5. ओके, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ये कैसे करना है. एकदम धीरे धीरे करके बताया है मैंने. ओके, अच्छा, हाँ, कमेंट्स में बच्चा कुछ पूछ रहा है. प्रांजल, कैन यू राइट अगेन? ठीक है, मैंने हो सकता है आपके कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे. ठीक है, चलो, सबको समझ में आ गया ये? ऑलराइट, आंसर इज 5 एंड दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मीटर्स में. ऑलराइट, ओके, ऑलराइट. सबको बड़े अच्छे समझ में आ गया है या? ज्योति, अनिल, श्री, ज्योति 0 आ रहा है आपका. आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बता रहे होगे, है ना? हाँ, अच्छा. आयुष, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया. ऑलराइट, प्रांजल, यू आर आस्किंग समथिंग. आई प्रॉब्ली डिड नॉट रीड योर क्वेश्चन. कैन यू गो अप? गो अप. One second, I think Pranjal wrote something and there was a question somewhere. ऑलराइट बेटा, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा. इट माइट बी पॉसिबल दैट आई एम नॉट, यू नो, आई माइट नॉट हैव रेड दीज कमेंट्स बिकॉज काफी जल्दी जल्दी चले जाते हैं ये. तो आई विल कम बैक एंड रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट्स. ओके, चलो विद दिस लेट्स मूव ऑन. अच्छा, आंसर दिया था आपने, ऑलराइट, नो वरीज नो वरीज. चलो प्रांजल, सब समझ में आ रहा है. एंड विद दिस लेट मी गिव यू वन फाइनल इन्फो अबाउट टाइम टेबल अगेन. क्यों? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. आपके बेल आइकन आपका दबा हुआ होना चाहिए. क्यों? नोटिफिकेशन रहेगी तो आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती चली जाएंगी. ठीक है, आपकी क्लासेस मिस नहीं होंगी. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू कीप स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब. ठीक है, स्क्रोल करने में, फिगर आउट करने में ज्यादा टाइम लगता है. डू नॉट डू दैट. ठीक है, चलो, ये जो है रेगुलर वाला हमारा बैच है मिशन एमबीबीएस. 11th क्लास की क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. 12th की क्लासेस होती हैं ट्यूसडेज एंड थर्सडेज. फिजिक्स इज 4 PM. ऑलराइट, एंड यस, this is the info about droppers batch, and I am going to give you one homework question before going. I want you to solve it and get back to me with an answer. All right, here we go. What is the value of this definite integral? Four options are there: A, B, C, or D. Which one is correct? Take a screenshot, solve it and give me the answer in the comments. I will come back and reply with the correct answer. Let's see who gives the first answer. Yeah, correct or first. Chalo, take a screenshot and we are good. And make sure Aakash BYJU'S app mein bahut sare practice questions hain. Make sure you practice, practice, practice. So there will be questions on basic calculus separately, ठीक है, and application of basic calculus. सारा practice करो रोज. physics के रोज 60 questions in 60 minutes आपको practice करने हैं. Your target should be 60 seconds per question. 1 minute per question लेकर के आप practice करोगे. ठीक है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना, जैसा कि मैंने हमेशा से समझाया है, अभी भी वही समझा रहे हैं. मेक श्योर यू प्रैक्टिस, मेक श्योर यू स्टे स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय.